प्राचीन कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी महाराज, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, चिकित्सक हैं, वो अमृत कलश लेके निकले और उसी अमृत को देवताओं में वितरित किया गया था। लेकिन उसमें कुछ दैत्य भी आ गए थे, उन्हें बाद में काट के अलग किया गया, जिन्हें राहु केतु का नाम दिया गया, जिनकी वजह से लोगों की मानता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं, और धनतेरस मनाने की परंपरा तभी से शुरू हुई है। कलश होने के कारण लोग बर्तन भी खरीदने का प्रयास करते हैं उस दिन की याद में, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम धनतेरस नहीं मना पाते। उसका एक बहुत ही खराब कारण हमारे परिवार में गुजरा है। हमारी एक भाभी जी थी जो इसी दिन अपने मायके में थी, और वो इनके हाथ में एक छोटी बच्ची थी, उनकी ही बच्ची थी, भतीजी थी मतलब हमारी। तो वो आटा चक्की उनके घर पे ही उनके पीहर में उनके भाई चलाते थे, और दिवाली के त्योहार पे कुछ बनाने के लिए वो अपने चक्की में गई, चक्की चल रही थी तो उनकी साड़ी जो है उसमें फंस गई, और साड़ी जब चक्की में फंस गई तो बच्ची को तो झटका लगा, बच्ची गिर गई, छोटी बच्ची थी गोद में एकदम, तो बच्ची तो बच गई लेकिन भाभी जी को नहीं बचाया जा सकेगा, उनकी अकाल मौत हो गई उस आटा चक्की में थोड़ी सी असावधानी के कारण। तो इसलिए हम लोग धनतेरस की पूजा नहीं करते, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी उस दिन चली गई, तो हम लोग धनतेरस नहीं मनाते हैं। धनतेरस के बाद यम का दिया और दिवाली का त्योहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन धनतेरस की पूजा और खरीदारी हम लोग नहीं करते। हम लोग इस दिन को अशुभ मानते थे, लेकिन कुछ दिन पहले परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया धनतेरस के ही दिन, तब से विनायक उनका नाम है। तो तब से हम लोग फिर से धनतेरस की पूजा करते हैं, लेकिन बेमन से। जब भी धनतेरस आता है हमें भाभी जी की याद आ जाती है, आज वो बच्ची बड़ी होकर के जो बच्ची उस समय बच गई थी उसकी शादी कर दी गई है, उनके पापा ने शादी कर दी बच्ची की, बच्ची अपने घर चली गई है सुखपूर्वक है। लेकिन हम लोग आज भी जब भी धनतेरस का त्योहार आता है तो भाभी जी की याद आ जाती है और हम लोग फिर त्योहार नहीं मना पाते। इस तरह एक दुखद घटना के कारण हम लोग अपने इस अच्छे से एक त्योहार को मना नहीं पाते। यह आज और भारत सरकार ने धनतेरस के दिन को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसे बार बार मनाने के प्रयास। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए और कुछ न कुछ हमारी भी जिंदगी के बारे में जानते रहिए। जय हिंद।